हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो इस मकर संक्रांति मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल गुड़ के लड्डू। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। तो क्या है इसकी टिप्स और सीक्रेट, ये जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो सबसे पहले आप ले लें यहाँ पर एक कटोरी तिल और एक कटोरी गुड़। तो गुड़ को आप काफी बारीक कर लीजिएगा ताकि उसको पिघलाना काफी आसान हो जाए, और गुड़ आप अच्छे क्वालिटी का ही लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दोनों चीजों को सेम साइज के कटोरी में ही नापिएगा। तो पैन को रखिए आप लो फ्लेम में। तो यहाँ पूरी कुकिंग जो होगी वो लो फ्लेम में ही होगी, और उसमें आप डाल दीजिए तिल। तो तिल को यहाँ पहले हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अगर आपको काले तिल पसंद है तो आप यहाँ पर काले तिल भी यूज कर सकते हैं। तो तिल रोस्ट करते वक्त आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए जो तिल है वो अच्छे से चटकने लगे हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसका मतलब जो तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो सेम फ्लेम में आप डाल दीजिए 1/4 कप सूखा नारियल की। तो यहाँ इसे आप लगातार चलाते रहें, और इसे बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। बस इसमें जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, और ये देखिए बस आपको इतना ही इसे रोस्ट करना है, और इसे आप तिल के साथ फिर मिला लीजिए। तो सेम पैन में आप डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच घी। मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए गुड़। याद रखिएगा कि गैस आप बिल्कुल लो रखिएगा यहाँ पे। तो गुड़ को आप लगातार चलाते रहें। तो जो गुड़ है वो अच्छे से पिघलना स्टार्ट हो चुका है, पर ये पूरी तरीके से अभी नहीं पिघला है। तो जो गुड़ है वो लड्डू बनाने के लिए रेडी है कि नहीं, उसके लिए आप थोड़ा सा गुड़ लें और उसे ठंडे पानी में कुछ इस तरीके से डालें। अगर ये सेट हो जा रहा है, इसका मतलब जो गुड़ है वो बिल्कुल रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये पानी में डालते ही ये देखिए अपना एक शेप ले चुका है। तो चलिए जल्दी से आप बनाते हैं लड्डू। तो गैस आप इमीडिएटली ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाला है काजू और बादाम। तो ड्राई फ्रूट्स आप बारीक काट के डालिएगा। तो इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, ताकि जो लड्डू है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। तो बस इसे एक क्विक मिक्स दे दिया है मैंने। तो ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालना वैसे ऑप्शनल है, पर ये डालने से लड्डू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ जो ये तेल और जो सूखा नारियल हमने रेडी करके रखा था वो इसमें मिक्स कर दें। तो याद रखिए जो गैस है वो ऑफ रहना चाहिए। अगर आपको पिसी हुई तिल का लड्डू पसंद है तो आप जब तिल थोड़ा सा कुनकुना हो उसे उस वक्त आप ग्राइंड कर लें मिक्सर में, और उसके बाद इसमें ऐड कर लें। तो आपको इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि ये जो गुड़ है ये ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर एक बार जो गुड़ है वो ठंडा हो जाए तो इसका लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मिक्सचर है ये काफी गर्म होता है, इसके लिए आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि जो तिल है वो हाथों से चिपके भी मत, और जो ये मिक्सचर इतना गर्म है उससे आपके हाथ भी ना जले। तो कुछ जल्दी जल्दी आप इस तरीके से लड्डू बनाएं। तो ये देखिए लड्डू कितने आसानी से बन जा रहे हैं। अगर ऐसा हो कि लड्डू बनाते वक्त ये जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाए, तो आप इसे फिर से पैन में डाल के लो फ्लेम में गर्म करिए ताकि जो गुड़ है वो फिर से पिघले, और उसके बाद आप ये लड्डू फिर से बना सकते हैं। तो सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो कैसे लगा आपको तिल गुड़ के लड्डू की ये रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मकर संक्रांति आप ये तिल गुड़ के लड्डू बनाकर जरूर देखिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और भी नई रेसिपी के साथ।